हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। जैसा कि साथियों आपको पता है कि सीबीएसई ने जो है आपकी ऑफिशियली आंसर की जो है जारी कर दी थी कल आपकी, और जैसा कि मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े तो उसमें मोस्टली जो है क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत से गलत दिए हुए हैं। ठीक, आपके जैसे सब कमेंट्स आए उसके मुताबिक मुझे लगा कि जो है काफ़ी सारे जो है आंसर की में बहुत से मिस्टेक्स हैं, और कहीं ना कहीं इसको लेके एक छात्र जो है बहुत ही प्रॉब्लम्स में है, कि क्योंकि मोस्टली देखा जाए ना तो सभी के मार्क्स घटे हैं। और मैंने एक पोल भी डाला था, उसमें जो मैंने पूछा था कि मतलब किसके कितने मार्क्स किस कैटेगरी में कितने कैसे आ रहे हैं, तो मुझे जैसा कि जानकारी हुई साथी तो जो है 85 समथिंग मोस्टली लोगों के मार्क्स आए हैं, 85। और मतलब कि बात की जाए तो जो है 80 से 85 के मोस्टली बीच में हैं। और जैसा कि ये चीज़ पता चली, अब देखिए जैसा कि फर्स्ट पेपर में की अगर बात की जाए तो फर्स्ट पेपर में जो है आपको सब आपने देखा होगा आई जे के एल जो आपका सेट था उसमें से जो है एक नंबर तो आपको बोनस में मिला। ठीक है, तो जिन भी कैंडिडेट्स के 89 मार्क्स थे या फिर 81 मार्क्स थे उनको तो घबराने की दिक्कत नहीं, अगर आपने जो है सीक्रेट की आंसर की अच्छे से चेक की है और आपने दो तीन बार चेक की है, बट क्या हुआ कि आपके जो है मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, 89 आ रहे हैं या फिर 81 आ रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बोनस के रूप में वो एक नंबर तो मिल गया फ्री का सभी को। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स ने दिए थे सभी को एक नंबर तो मिल गया है, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। क्योंकि जेड का मतलब ये होता है कि जेड का मतलब ही होता है कि जो है ऑल कैंडिडेट्स को जो है 1 मार्क्स प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब रही बात, और हाँ बाकी आप जो चैलेंज करेंगे ना, आपको जैसा लग रहा है कि जो है नहीं इसमें जो है मेरा जो है दूसरा सही होना चाहिए बट आयोग ने जो है दूसरा आंसर बताया है, तो वो आप जब चैलेंज करेंगे तो आपका और भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप उसका सबका मार्क्स मिल गया तो और आगे कुछ नहीं होगा, वो भी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। और बात की जाए पेपर टू की साथी, और तो पेपर टू में जो है बहुत से ज़्यादा सुनने में आ रहा है मिस्टेक्स आए हैं आपका, फिर चाहे CDP ले लीजिए, मैथ ले लीजिए, और SST में भी कई सारे जो है 5 से 6 क्वेश्चन पर डाउट चल रहा है। और मोस्ट जो आपका वो है आपका क्या था, संस्कृत के पेपर में तो सुनने में आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एरर है, बहुत ही ज़्यादा करेक्शन करने के लिए, तो मैं यही कहूँ कि आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन भी कैंडिडेट्स के जो है कम मार्क्स पड़ रहे हैं ना, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो है अभी आपके पास टाइम है 10 फरवरी को जो है आप रात के 11:59 तक, ठीक है, 12:01 पहले आप जो चैलेंज कर सकते हैं, विंडो खुली है। और ये नहीं कि आपको सिर्फ लग रहा है तो आपने चैलेंज कर दिया, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ के तौर पे जैसे कि आपका NCERT बुक से आप उस कटिंग को भेज सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी होता है कि जैसे कि सीटेट ने जो भी प्रीवियस ईयर पे जो भी क्वेश्चन कराए हैं, तो क्या होता है कई बार जब क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है ना, क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो उस टाइम आयोग ने अगर कुछ और ऑप्शन माना है, इस बार कुछ और ऑप्शन माना है, तो आप भी क्लेम कर सकते हैं कि जो है आयोग ने पहले तो ये वाला ऑप्शन माना था, अब ये वाला ऑप्शन मान रहे, तो इसमें क्या है, तो गड़बड़ है ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है आयोग को झुकना पड़ता है और आपका आंसर सही करना होता है। और बता दें आपको कि जो है अगर किसी भी एक कैंडिडेट्स ने जो है चैलेंज कर दिया, और वहाँ पे देखिए श्योरिटी तो नहीं रहती कि सही मान लिया जाएगा, ये तो उन लोगों के हाथ में है, श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हैवी अमाउंट भी है, एक पर क्वेश्चन आपका 1000 रुपये, 1000 रुपये लेते हैं एक क्वेश्चन का, और वो भी नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि अगर आपका क्वेश्चन जो आपने क्लेम किया है वो अगर गलत साबित हो गया तो आपके 1000 रुपये एक क्वेश्चन के जो आपने दिए हैं वो चले जाएंगे और जो है वापस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ है, अगर आप जो एकदम श्योरिटी के साथ में कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास प्रूफ भी है अच्छे से और हम जो है क्लेम करेंगे और मेरा जो है सही होगा, तो आप बिल्कुल क्लेम कीजिए। देखिए क्लेम किसको करना चाहिए हम बता दें, क्लेम उन स्टूडेंट्स को करना चाहिए जो जिनके मार्क्स जो है 89 है या फिर 81 है, आप फिर बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्लेम करने का ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप जो है फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आपका जो है आंसर जो है एकदम राइट हो गया, और आपको 1000 रुपये भी आपको वापस रिटर्न में हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको एक मार्क्स मिल जाएगा, तो आप पास हो जाएंगे और आने वाले फ्यूचर में आपको भी छुटकारा मिल जाएगा कि आप मुझे नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम कभी नहीं देना होगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। तो जैसा कि पेपर वन की बात की जाए तो एक मार्क्स जो है बोनस के रूप में सभी को दिया गया है, और पेपर टू में तो बोनस के रूप में नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ आप ये है कि अगर लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको जो एक वैलिड प्रूफ की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, टेंशन मत लीजिए, आपने जहाँ भी जिस भी रिसोर्स से अपना आंसर की मिलाई थी, वैसे मोस्टली लोगों ने यूट्यूब से मिलाई थी, यूट्यूब में जो भी टीचरों से मिलाई थी, और अब उनका कहना है कि मेरे नंबर जो है बहुत ही घट गए हैं,
अब इसमें किसकी गलती है, आयोग की गलती है या फिर जो है आपने जहाँ से मिलाया वहाँ से सही नहीं बताया गया, जो भी है, अब मेन आपका काम क्या है कि आप जो है इसका जो है प्रूफ ढूंढिए, ठीक है, प्रूफ ढूंढिए, क्योंकि फिर तभी तो आप क्लेम कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, 10 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं, आप जो है क्लेम कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप इस चीज़ को लेके करिएगा। क्योंकि मैंने देखा मोस्टली बच्चों का, भाई कुछ अगर स्टूडेंट होते तो मैं मान सकता कि शायद उसी कैंडिडेट्स ने जो है चीज़ों को गलत किया हो, लेकिन नहीं, मैंने देखा मोस्टली स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स घटे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स के मार्क्स कटे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं डाउट जाता है कि जो है CBSE ने क्या कुछ आंसर की मेरे को छेड़छानी कर दी है, या फिर क्या हुआ कि जो है इतने सारे, और भी हर एक सेशन में संस्कृत में बात कर लीजिएगा, चाहे CDP हो, EVS हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर आपका जो SST हो, तो आखिर ये चीज़ क्या हो रही है समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। और आप लोग बस, मेरे बस यही कहना है कि आप लोग जो है अच्छे से एक बार अपने क्वेश्चन को मिलाइएगा सब लोग साथ में बैठ के, या फिर जो भी जैसा है, और फिर उस पर एक प्रूफ ढूंढिएगा, ठीक है, क्योंकि बगैर प्रूफ लगाए हुए क्या मतलब है कि आपका 1000 रुपये भी चला जाए। तो इन लोगों ने बहुत हैवी अमाउंट रखा कि क्लेम करने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ जाए स्टूडेंट को। तो आप लोग पहले बात तो इस प्रूफ को वैलिड करिएगा कि हाँ जो हम प्रूफ देंगे तो वो वैलिड है कि नहीं है, या फिर जो है, और अगर आपको लगता है कि नहीं हम श्योर है, और बिल्कुल रिस्क लीजिएगा। देखिए हम ये कहेंगे कि अगर जिन कैंडिडेट्स के जैसे कि 90+ हैं अच्छे से, ठीक है, 90+ है, और फिर वो क्लेम मेरे हिसाब से ना करें तभी ठीक है, क्योंकि अगर 1-2 मार्क्स आपके बढ़ भी जाएंगे तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी जो है क्वालिफाइड है। तो क्योंकि सीटेट का नेचर यही है भाई, एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, जैसे कि 150 में से जनरल कैंडिडेट्स के 90 मार्क्स आने चाहिए, और बाकी अदर लोगों के जो है OBC ST ST के जो है 82 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो वह सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड माने जाते हैं, ठीक है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर 1 आपने दिया तो आपको 1 मार्क्स जो है बोनस के रूप में मिल गया, जैसे कि समथिंग आपका 80 नंबर था 62 था और 108, ठीक है, 108 जिस भी सेट के हिसाब से था, आप लोगों को जो है 1Z लिखा है, Z का मतलब ही हो गया आपका जो है सभी को 1 नंबर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आयोग ने जो है, हो सकता है ह्यूमन एरर है, आप लोग अगर कंप्लेंट करेंगे, अगर आप लोग जो है बिल्कुल बिल्कुल विंडो पे जाके ये चीज़ क्लियर करेंगे कि नहीं जो है क्लेम करेंगे, तो बिल्कुल ये चीज़ जो है आयोग इस पे इसको संज्ञान मिलेगा। और बात कर लीजिए अगर आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी, तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है, रिवाइज्ड आंसर की तो आज तक कभी आई नहीं है सीटेट में, और इस बार भी नहीं आएगी आपका। आपको जो है सीधे फिर ये लोग क्या करते हैं, आपका आंसर जो आपने क्लेम किया है उसको जो है पहले वो लोग देखते हैं, और उसको जो है फिर अगर सही है आपका चैलेंज तो बिल्कुल आपको जो है सभी बच्चे को जो है आयोग अपनी तरफ से मार्क्स दे के जो है डायरेक्ट आंसर की डायरेक्ट आपका रिजल्ट जारी कर देता है। और रिजल्ट की अगर बात रही तो आपका जो है मोस्टली जो है 20 फरवरी तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आगे आपको आप ये भी सोचिएगा कि क्योंकि जो है TRE 3 का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है ना, तो अच्छा ही रहेगा अगर 20 तक आ जाए, क्योंकि 10 तारीख तक तो आप लोग जो है क्लेम कर सकते हैं, फिर उसके बाद में आयोग जो है कुछ टाइम वो भी लेगा, क्योंकि रिजल्ट तो बन के तैयारी हो गया होगा मोस्टली। और जो है रही बात आपके जो है सर्टिफिकेट की, वो सर्टिफिकेट भी आपका जो है 20-25 दिन के रिजल्ट के आने के जो है 25 दिन या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग जो है DigiLocker से जो है सर्टिफिकेट भी डाउनलोड जो है कर सकते हैं। तो चलिए गाइस जो है अगर जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो गया उनके लिए कांग्रेचुलेशन, और जिनका अगर रुक रहे ना तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल मार्क्स बढ़ सकते हैं। आप लोग बस कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों को कलेक्ट करिएगा, प्रूफ अगर आपके पास है तो बिल्कुल क्लेम कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर वैलिड है तो आपको 1000 रुपये भी आपको जो है वापस रिटर्न मिल जाएंगे, और जो है कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा हो जाएगा, 1 मार्क्स भी बढ़ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।